नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 फरवरी। आज का सवाल हमारे 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। आज से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का होगा शुभारंभ। आज से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ज्ञात हो, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने इस इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 3 से 13 फरवरी तक किया है, जिसमें कुल मिलाकर राज्य के 12,05,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में कुल मिलाकर 1,283 परीक्षा केंद्रों का आयोजन किया है। वहीं सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो यहां भी सभी इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए निकाली रिक्तियां। पंजाब पब्लिक सर्विसेज कमीशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए कुल मिलाकर 141 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को 60% अंकों के साथ साइंस इन एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, पंजाबी भाषा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना भी जरूरी होगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 20 फरवरी तक इन पदों के लिए ppsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। 17 फरवरी को सरकार और नियोजित शिक्षक होंगे आमने सामने। चुनावी साल में सभी नियोजित शिक्षक सरकार को एक बार फिर से घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी नियोजित शिक्षक 17 फरवरी को सड़कों पर उतरने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सभी नियोजित शिक्षक अपनी राज्यकर्मी का दर्जा सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं, जिसका आयोजन प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया है। खबरों की माने तो प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा बुलाया गया यह बंद सरकार की दोरंगी नीति, शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ है। बिहार में बीएड सीईटी का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। बिहार में बीएड की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार में बीएड सीईटी 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट बिहार cetbed.inmu.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 2 मार्च 2020 है। इसके साथ ही बिहार बीएड परीक्षा समिति ने सभी परीक्षार्थियों से नामांकन पत्र भरने से पहले पूरी अधिसूचना को ध्यान से पढ़ने की अपील की है। वहीं खबरों की माने तो बीएड के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 मार्च 2020 को किया जाएगा। बिहार शरीफ की 5 हस्तियां हुई सम्मानित। बिहार सरकार ने बिहार शरीफ की 5 हस्तियों को सम्मानित किया है। ज्ञात हो, इन सभी हस्तियों को धर्म सेवा और समाज सेवा के लिए किए गए कामों के लिए सम्मान प्रदान किया गया है। आपको बता दें, सम्मानित की गई इन 5 हस्तियों में विराय तन राजगीर की जैन साध्वी श्री चंद्रा जी महाराज का प्रतिनिधित्व करने आई साध्वी उपाध्याय जी महाराज को धर्म के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं रवि प्रसाद, श्वेता शाही, संजीव कुमार और रजनीश पांडे को सामाजिक काम के लिए सम्मानित किया गया है। रेरा अब अग्रणी होम्स पर आएगी सख्ती से पेश। पटना के लोगों को भारी भरकम पैसा लेकर घर दिलवाने का वादा करने वाली अग्रणी होम्स पर अब रेरा सख्ती से पेश आने वाली है, क्योंकि अग्रणी होम्स ने सैकड़ों लोगों से पैसे लेकर अभी तक उन्हें फ्लैट मुहैया नहीं करवाया है, जिसके पश्चात अब सभी घर खरीदारों ने अग्रणी होम्स के खिलाफ रेरा को बताया है, जिसके परिणाम स्वरूप रेरा ने अग्रणी होम्स को 14 करोड़ राशि देने का निर्देश जारी किया है। कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर की टिप्पणी। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार इन दिनों सीएए और एनआरसी को लेकर बिहार में जनगणमन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत अब तक वो बेतिया, सिवान और गोपालगंज का दौरा कर चुके हैं। वहीं अपनी इस यात्रा के तहत छपरा पहुंचे कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से तंज कसा है और कहा है कि यह देश में युवाओं को बेरोजगारी की परेशानी है और केंद्र सरकार है जो एनआरसी से लोगों को उलझाए हुए हैं। केंद्र सरकार जितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन उनके विकास का ढोल फट चुका है। आम बजट से हुआ बिहार को फायदा। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में बिहार को लगभग 15 करोड़ सालाना का फायदा होने वाला है, क्योंकि पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों के बंटवारे में बिहार का हिस्सा बढ़ा दिया है। इसी के तहत अब बिहार को सालाना 15 करोड़ का फायदा होने की संभावना है। पिछले साल के बजट की बात करें तो केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्रीय करों के बंटवारे में 9.665% हिस्सेदारी दी थी, मगर इस बार केंद्र सरकार ने बिहार को 10.061% हिस्सेदारी दी है, जिसके पश्चात उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की है और साथ ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी सभी प्रदेशवासियों को दी है। दानापुर से मालदा के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से दानापुर और दानापुर से मालदा सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे विभाग ने सभी पैसेंजर्स के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का आयोजन किया है, जो कि अब दानापुर जंक्शन से होते हुए मालदा जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, रेलवे विभाग द्वारा जारी किए गए स्पेशल ट्रेन दानापुर से 3 फरवरी को खुलेगी, वहीं मालदा से 4 फरवरी को खुलेगी। इसके साथ ही यह ट्रेन दानापुर से मालदा के बीच कोहरे के कारण रद्द की गई दिल्ली मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस के समय अनुसार चलेगी।
अब बैंकों की सुरक्षा होगी होमगार्ड की विशेष दल के हाथ। बैंकों में दिन दहाड़े हो रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए गृह रक्षा वाहिनी ने सभी बैंकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब बैंकों पर नजर बनाए रखने के लिए और खास करके बैंकों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा दल का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत सभी सुरक्षा दलों को बिहार के अलग अलग ब्रांचों में गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक राकेश कुमार और भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में भेजा गया है। बिहार में चल रही नल जल योजना को अब पूरे देश में किया जाएगा लागू। उक्त ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान किया है, जिसके तहत बिहार में पिछले 4 वर्षों से चल रही हर घर नल जल योजना को अब पूरे देश में जल जीवन मिशन नाम की योजना के साथ चलाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3.60 लाख करोड़ की राशि आवंटित कर दी है और इसके साथ ही 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी किया है। अब सभी जिलों के कलाकारों को बिहार सरकार देगी मंच। बिहार सरकार अब गांव कस्बों से कलाकारों की तलाश करेगी, जिसके लिए बिहार सरकार का कला संस्कृति विभाग बिहार के हर जिले में कला मंच का आयोजन करने जा रही है, जिस पर कला संस्कृति विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य भर में छिपे कलाकारों को अब उनके जिले में ही मंच उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वहां पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि विभाग का ऐसा मानना है कि सही मंच नहीं मिलने के कारण गांव कस्बे में छिपे कलाकार अपनी प्रतिभाओं को बाहर नहीं ला पाते हैं। गैस सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी, सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। गैस सब्सिडी वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत अब यह गैस सब्सिडी वाला कमर्शियल सिलेंडर 232 रुपए महंगा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार में मिलने वाला 1438 रुपए का यह सिलेंडर 1670 रुपए में मिलेगा। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में किसी तरीके का इजाफा नहीं किया गया है। आपको बता दें, सरकार सालाना हर घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन पर देखी जा सकेगी फिल्म। सभी पटना वासियों के लिए खुशखबरी, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत फरवरी के अंत तक पटना के गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन लगने जा रहा है, जहां पर इस बड़े पर्दे पर फिल्मों को दर्शाया जाएगा, जिसके डेमो का काम पूरा कर लिया गया है। ज्ञात हो, गांधी मैदान में आयोजित होने वाले इस मेगा स्क्रीन के लिए सरकार 6,98,00,000 रुपए खर्च करने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए 5वें T20 में भारत को मिली शानदार जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए 5वें और आखिरी T20 मैच में एक बार फिर भारत ने शानदार जीत दर्ज की है, जहां पहले टॉस जीतकर भारतीय बल्लेबाजों ने 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन का लक्ष्य प्राप्त कर पाई, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 156 रन ही बना पाई, जिसके परिणाम स्वरूप टीम इंडिया ने इस 5 T20 मैच की सीरीज को 5-0 के साथ इस सीरीज को अपने नाम दर्ज कर लिया है। जारी किए गए बजट में जानिए क्या हो सकता है सस्ता और किन सामानों के बढ़ गए हैं दाम। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश का बजट पेश किया है, जिसमें कुछ विभागों को राहत मिली है, तो वहीं कुछ विभाग की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है, जिसके तहत अब मोबाइल फोन, इम्पोर्टेड जूते चप्पल, पंखा, फर्नीचर, स्टेशनरी अब महंगा हो गया है, वहीं अब घर खरीदना सस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, हाउसिंग डेवलपर्स का टैक्स कर में छूट दी गई है। इसके साथ ही 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में 5 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को भी टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया है। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे कमता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में दिन में हल्की धूप के साथ ही ठंड का असर लोगों को रात के समय में देखने को मिलेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में ठंड से लोगों को राहत मिलेगी, मगर सुबह और शाम के समय में ठंड का असर देखने को मिलेगा। सैफ अली खान की जवानी जानेमन को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। तानाजी में उदय भान राठौर की भूमिका निभा चुके सैफ अली खान की अगली फिल्म जवानी जानेमन पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के साथ ही यह उम्मीद के अनुसार अच्छा काम करी है। खबरों की माने तो 3 दिनों में इस फिल्म ने कुल मिलाकर 10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। कुछ समय से सैफ अली खान की कोई भी फिल्म पर्दे पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन जवानी जानेमन से सैफ अली खान को काफी उम्मीदें हैं और अभी तक की कलेक्शन भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें, जवानी जानेमन में सैफ अली खान के अलावा अलाया और तब्बू भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। केबल टीवी और डीटीएच के नए प्लान्स की 12 फरवरी को हो सकती है घोषणा। सभी केबल और डीटीएच यूजर्स के लिए अहम सूचना। ट्राई ने पिछले महीने नए नेशनल टैरिफ ऑर्डर की घोषणा की थी, जो कि अब 1 मार्च 2020 से लागू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ट्राई ने ब्रॉडकास्टर से 15 जनवरी को चैनल्स के नए प्राइस की घोषणा करने के लिए कहा था। हालांकि इसके बाद ब्रॉडकास्टर्स ने अदालत में ट्राई के इस फैसले की अपील भी की थी, जिसे कोर्ट ने 12 फरवरी तक के लिए टाल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अब डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स टाटा स्काई, एयरटेल, डिजिटल टीवी, डिश टीवी अब अपने नए प्लान्स को 12 फरवरी तक लॉन्च कर सकते हैं।
अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे लव सिन्हा की। लव सिन्हा कोई और नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और सोनाक्षी सिन्हा के भाई है। हालांकि लव सिन्हा ने अभी तक फिल्मी पर्दे पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 से शुरू कर दी थी। पटना में 5 जून 1983 में जन्मे लव ने अपने करियर की शुरुआत में सबसे पहले सदियां फिल्म में काम किया था, जहां पर उन्होंने मुख्य किरदार की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद लव ने पलटन फिल्म में भी काम किया था। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 16 मार्च 1983 को स्थापित इस संग्रहालय का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता चंद्रशेखर सिंह के नाम पर पड़ा। वह 1983 से 85 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। संग्रहालय में महान पुरातत्वीय महत्व के पुराने पत्थर और 178 मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित है। यह संग्रहालय पालकालीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना रहा है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.79 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.84 रुपए प्रति लीटर था। मेयर की जन्मतिथि पर फंसा दाव पेच। यह वाक्या भागलपुर जिले का है, जहां की मेयर सीमा साह की कुर्सी अब चंद दिनों की मेहमान बनती नजर आ रही है, क्योंकि भागलपुर की मेयर ने शपथ पत्र के साथ साथ जमा किए गए अपने दस्तावेजों में जन्मतिथि की जानकारी गलत दी थी, जिसकी जानकारी अब जाकर प्रशासन को हुई है, जिसके बाद पुलिस ने भी इस दलील को सच माना है। अगर कोर्ट में भी मेयर द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि के साथ फेरबदल पाया गया तो मेयर की कुर्सी कभी भी जा सकती है। सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार को मिली बड़ी जीत। सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार ने नागालैंड को एक पारी और 75 रनों से हरा दिया है। आपको बता दें, इस जीत से सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार को पूरे 7 अंक मिले हैं, जबकि नागालैंड की टीम को एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ है। खबरों की माने तो बिहार की इस जीत में कप्तान सचिन कुमार सिंह ने अहम भूमिका निभाई। सचिन ने बल्लेबाजी में 86 रनों की पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में भी सचिन ने दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए हैं। इंटर परीक्षा से पहले बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने जारी की जरूरी दिशा निर्देश। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने आज इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने यह साफ कहा है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड किसी कारणवश उसके पास नहीं रहता है तो वो परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड की माने तो जिन भी परीक्षार्थियों के पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा, वैसे छात्रों का सत्यापन उपस्थिति पत्रक की स्कैन कॉपी में कराया जाएगा। सत्यापन के बाद अगर उस छात्र का नाम रजिस्टर्ड मिला तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने यह भी साफ कहा है कि परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों को 2 बार जांच पड़ताल की जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है नारायण यादव, संजीत कुमार, चंदन कुमार, अमरेश चौधरी, राहुल कुमार पोदार, संतोष कुमार सिंह, ब्रज किशोर यादव, दीपक गौतम, करणजीत कुमार, राकेश कुमार दास। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे थे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए T20 सीरीज में भारत को मिली शानदार जीत के बाद आगे होने वाले वनडे सीरीज में भारत को किस खिलाड़ी को टीम में बनाए रखना चाहिए और किसे नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।